बीएसपी नेता प्रवीण तोगड़िया के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। चुनाव आयोग ने तोगड़िया के बयान का टेप मांगा है। तोगड़िया पर आरोप है कि उन्होंने एक खास समुदाय के खिलाफ लोगों को भड़काया। उधर आरएसएस भी तोगड़िया के बचाव में खुलकर आ खड़ा हुआ है। विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया के विवादित बयान पर बवाल बढ़ता जा रहा है। एक तरफ तोगड़िया के खिलाफ भावनगर में मामला दर्ज कर लिया गया है, तो वहीं चुनाव आयोग पूरे मामले की जांच की तैयारी में जुट गया है। आयोग ने उनके भाषण का टेप मंगवाया है। खबरों के मुताबिक तोगड़िया ने कहा था कि हिंदू बहुल इलाकों में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को संपत्ति खरीदने से रोका जाना चाहिए। इस विवादित भाषण के सुर्खियों में आने के बाद भावनगर के डीएम ने टेप को सुनने के बाद मामले पर कार्रवाई करने की बात कही है। उधर तोगड़िया ने ट्वीट कर सफाई दी है। उन्होंने लिखा है कि चुनिंदा मीडिया संस्थान मेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। मेरा नाम लेकर मनगढ़ंत बातें दिखाई जा रही हैं। मैं इन्हें कोर्ट में घसीटूंगा। कोई डेफिनेटली षड्यंत्र है और ये सुरक्षा के संदर्भ में भी है। मैंने लीगल नोटिस में उत्तर दिया है। उधर आरएसएस भी तोगड़िया के बचाव में खुलकर आ खड़ा हुआ है। उनका दावा था कि ये फैब्रिकेटेड खबर है। हम इस देश के सभी लोगों को, वो जिस किसी भी धर्म या जाति के लोग हो, उन सबको एक जन, एक समाज, एक राष्ट्र मानते हैं। इसलिए उनके बीच अंतर करना ये स्वयंसेवक नहीं करता है। किधर, किस दिशा में देश चला जाएगा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तोगड़िया के भड़काऊ भाषण पर कांग्रेस ने हमला बोला है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह और उद्रीता बहुगुणा जोशी ने तोगड़िया की गिरफ्तारी की मांग की है। तोगड़िया के तो पूरा वजूद ही नफरत पर आधारित है, और जो नफरत की बात करते हैं वो हवा भी हो जाते हैं। आज तोगड़िया का नाम लेने वाला हिंदुस्तान में कोई नहीं है। ऐसे वो सारे लोग जिन्होंने ऐसे भड़काने भाषण दिए हैं, बयान दिए हैं, सबके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, और इसमें किसी प्रकार की किसी के प्रति सहानुभूति नहीं होना चाहिए।